पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में लगी सेंध के बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आज प्रदेश ओबीसी मोर्चा की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन सहित अन्य तरह से विरोध जताया गया। जिला ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर में बापू महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मानव श्रृंखला बनाने के बाद धरना प्रदर्शन कर घटना का विरोध जताया गया। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुष्कर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी ने कहा कि यह घटना कांग्रेस की गिरी हुई सोच को दर्शाती है। इस दौरान ओबीसी जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत, शहर मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा मनीष सोनी, उपाध्यक्ष कैलाश रावत, सीताराम मुकुल भाटी, रविंद्र सिंह रावत गोवलिया सहित अनेक ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम रखा गया आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रत्येक विधानसभा के ऊपर हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा को पंजाब सरकार ने जो खतरा पैदा किया और जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने बैठ करके एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो वहाँ रैली में जा रहे थे और जिस प्रकार से जो लाखों की संख्या में उनकी जो रैली में लोग आने वाले थे उनको रोका गया और षड्यंत्र पूर्वक उनकी सुरक्षा में चूक पैदा की जिससे कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा हो और वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर भी लगती है, इसकी जो जांच की हम मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार की मंसूबे सदा से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो इनके नफरत की राजनीति है जो लोग कर रहे हैं और जो नफरत और षड्यंत्र रच करके और जो देश के प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे उसका हम सब लोग ओबीसी मोर्चा के लोग आज विरोध और प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और इनको यही मांग करते हैं कि इस प्रकार का जो ये दुस्साहस इन्होंने किया है ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं करें। पूरे देश की जनता में आक्रोश है और आज इसी के तहत अजमेर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देहात जिला ने हमारे पुष्कर विधानसभा में या गांधी प्रतिमा के सामने इनका जो मानव श्रृंखला बना करके और इनका जो सुरक्षा में खतरा इन्होंने पैदा किया उसके विरोध के स्वरूप में हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध कर रहे हैं। अशोक सिंह रावत, देहात जिला अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा, अजमेर।